बार बार रिपीट करेगा तो उसका एफिशिएंसी लेवल भी बेटर होता चला जाएगा, रिसोर्सेज को वो कम से कम वेस्ट करेगा। सेकेंड इज, अब इसके हमारे कॉन्सिक्वेंसेज, अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा तो हमारी क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। एफिशिएंसी लेवल हमारा इम्प्रूव नहीं होगा, और उसके साथ साथ कोई भी स्पेशलाइजेशन क्रिएट नहीं होगी। अगर डिवीज़न ऑफ वर्क प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया जाता है तो हमारा स्पेशलाइजेशन भी क्रिएट नहीं होगा, और मे भी हो सकता है द चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, एक वर्क को बार बार रिपीट किया जा रहा है, एक ही काम उसने कर दिया, वही काम दूसरे पर्सन ने कर दिया, तीसरा काम उसी पर्सन ने फिर से रिपीट कर दिया। सो दैट्स द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट प्रिंसिपल। नाउ योर सेकेंड प्रिंसिपल इज दिस, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, हमारे पास राइट है कि हम डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कम्प्लीट द असाइन वर्क ऑन टाइम। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, हम ऑब्लिगेट है कि हमें जो काम दिया गया है उस काम को हमें टाइम से पूरा करना है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपका अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। ना ज़्यादा अथॉरिटी हो ना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ज़्यादा अथॉरिटी होगी तो मे बी हम उसका मिसयूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो पीपल अपने काम से बचना शुरू कर देगा कि मैं ये काम क्यों करूँ, सारा काम मुझे थोड़ी ना करना है। तो दैट्स वाई एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट निगेटिव रिजल्ट। उससे क्या होगा, हमारे निगेटिव रिजल्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विल नॉट अलाउ वर्कर टू कम्प्लीट द जॉब ऑन टाइम। जब एक पर्सन पे काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तो वो अपना काम कभी भी टाइम से पूरा कर नहीं देगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो थ्रू एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड दैट। If a person is giving responsibility to produce 100 unit of shirts in a one week, but he is not given authority to purchase the raw material. अब एक person है, उसको एक responsibility दी गई कि आपको 100 unit of shirts को produce करना है, वो भी एक हफ्ते के अंदर, पर उसके पास authority नहीं थी कि वो raw material को purchase करे। अब वहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था स्टोर रूम में, तो वो अपना 100 शर्ट्स का जो टारगेट था वो टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाया। वर्कर को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं उस काम को नहीं पूरा करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर उसके पास जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम्प्लीट किया, उसके पास जितना मटेरियल था उसने टाइम से उसको कम्प्लीट किया, बट उसके पास अथॉरिटी नहीं थी क्योंकि वो गुड्स को परचेज नहीं कर सकता था। तो हम इसको वहाँ पे वर्कर को पूरी तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ब्लेमिंग हमारा किसका होगा, उस सुपीरियर का होगा, क्योंकि उसने उसको वो टाइम से गुड्स कंप्लीट गुड्स प्रोवाइड नहीं कराए। तो एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद लेस अथॉरिटी रिजल्ट इन नॉन कम्प्लीशन ऑफ जॉब। अब यहाँ पे क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ज़्यादा, अथॉरिटी थी कम, उससे क्या हुआ, हम अपना जॉब टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव इफेक्ट्स। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। सबको अपनी अपनी अथॉरिटी पता है, कैसे क्या डिसीजन लेवल हमें रखना है, क्या डिसीजन मेकिंग करना है, तो कोई भी पर्सन अपनी अथॉरिटी को मिसयूज नहीं कर पाएगा। सेकेंड इज दिस, हेल्प इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट एनी डिले। आपको हेल्प मिलेगी, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइम से कंप्लीट करोगे जिससे आपका कोई भी डिले नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पेरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास कंप्लीट गुड्स है, आप उसको टाइम से कंप्लीट करके भी प्रोवाइड कराओगे, तो देयर इज नो टाइम डिले। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, वायलेशन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस प्रिंसिपल। अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है तो क्या होगा, ऑब्वियस है, डिले इन वर्क, हमारा काम समय से पूरा नहीं होगा। नंबर टू, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू एक्सेस अथॉरिटी। जब अथॉरिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हम उस अथॉरिटी का मिसयूज भी करना स्टार्ट कर देंगे। तो टेलर ने यही इंसिस्ट किया, देयर मस्ट बी पेरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो एक्सेस अथॉरिटी एंड नो एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड इज ओवरबर्डन विद द वर्क विद एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपकी एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी तो वर्कर के पास वर्क भी ओवरबर्डन होता चला जाएगा, फिर वो काम करने से बचेगा, वो अपना काम अपना टाइम से टारगेट पूरा करके नहीं प्रोवाइड कराएगा। दैट्स ऑल।
Your third principle is discipline. You know about what is discipline. So it refers to follow a code of conduct. You must follow a code of conduct and rules and regulations that is provided in employee agreement. जो employee agreement में आपको rules and regulations दे रखे हैं, जो code of conduct है, how to behave in a particular situation, you have to be follow in a particular way. Second is meeting commitment at all level. सारे लेवल के लोग अपना कमिटमेंट टाइम से पूरा करेंगे, वेदर इट इज रिलेटेड टू मिडिल, टॉप और लोअर लेवल. गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, एट ऑल लेवल, सारे लेवल पर जितने भी सुपीरियर्स हैं वो बेटर रहेंगे. एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, आपके ऊपर पेनल्टीज भी अप्लाई की जाएंगी. क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमंग द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बिटवीन क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए. जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें सारी चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए. तो फियोल सेड दैट डिसिप्लिन रिक्वायर एट ऑल लेवल एंड रूल एप्लीकेबल फॉर ऑल. तो फियोल वहाँ पे क्या इंसिस्ट करते हैं कि जो डिसिप्लिन है वो हर लेवल पे जरूरी है, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, सभी को रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो करना है, अपने कमिटमेंट को टाइम से पूरा करना है, जुडिशियस पेनल्टी भी पे करनी है, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट सभी के लिए रहेगा. तो रूल सभी के लिए अप्लाई किया जाएगा. इससे क्या होगा, सिस्टमेटिक वर्किंग रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में, काम भी बहुत स्मूथली होता चला जाएगा. दैट्स अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव इफेक्ट्स. लाइक पॉजिटिव इफेक्ट इज दिस सिस्टमैटिक वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वर्किंग रहेगी. नंबर टू, जब डिसिप्लिन रहेगा तो एफिशिएंसी लेवल भी इम्प्रूव होता चला जाएगा, सब लोग अपने काम को टाइम से पूरा करेंगे. अब इसके नेगेटिव मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है, डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूजन. डिसऑर्डर रहेगा, डिसिप्लिन नहीं रहेगा, पीपल्स के बिटवीन.